आज की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। आइए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल को डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैं यहाँ 1/2 टेबल स्पून गोटा जीरा, 2 तेज़पत्ता, इसे डालने के बाद थोड़ा फ्राई कर लें। इसके बाद मैं यहाँ 1/4 के करीब हींग का पाउडर डालूंगी। अब मैं 3 मीडियम साइज के आलू को काट ली हूँ, आप अपने मनचाहे शेप में काट सकते हैं। इसे डालें और गैस को हाई फ्लेम में करते हुए इसे थोड़ा लाल होने तक फ्राई कर लें। अब मैं यहाँ 4 हरी मिर्ची को मैं बीच से कट लगा दी हूँ, इसे डालूंगी और 3 से 4 मिनट तक फ्राई करने के बाद देखिए ये आलू लाल हो चुकी है। अब मैं यहाँ 2 प्याज को लंबे लंबे भागों में काट ली हूँ, इसे डालूंगी। आप चाहें तो चॉप्ड कर कर भी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। देखिए ये प्याज लाल हो चुकी है। अब मैं यहाँ 2 बैंगन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ, इसे डालूँगी और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद देखिए ये बैंगन थोड़े नरम पड़ जाते हैं। अब मैं 1 टमाटर को चॉप कर कर डालूँगी। इसके बाद कुछ मसालों को डालूँगी, जैसे 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून साल्ट यानी नमक, जिसे आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा दे सकते हैं। अब मैं यहाँ सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट को डालूँगी और इन सभी को अच्छी तरह से मिलाऊंगी। 5 मिनट तक गैस को मीडियम फ्लेम में रखते हुए इसे मिक्स करें। इसके बाद मैं कटे हुए पालक को डालूंगी। यहाँ पर मैं 250 ग्राम पालक को ली हूँ, जिसको अच्छी तरह से धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। इसे डालें और बिना पानी डाले हुए इन मसालों के साथ मिक्स करें। 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लें। इसके बाद गैस को मीडियम फ्लेम में रखकर 5 मिनट के लिए ढक दें। 5 मिनट के बाद देखिए ये साग 50% तक कुक हो चुकी है। इसे मिला लें और फिर से गैस को मीडियम फ्लेम में रखते हुए 5 मिनट के लिए ढक दें। 5 मिनट के बाद देखिए ये सब्जी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। इसे एक बार मिला लें। ये बहुत ज़्यादा सूखी है, इसलिए मैं यहाँ 1/2 कप के करीब पानी को डालूँगी और इसे मिला लूँगी। गैस को हाई फ्लेम में रखकर इसे थोड़ा उबलने के लिए छोड़ दें। 2 से 3 मिनट के बाद इसे सर्व करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। देखिए मैं सर्व कर कर आपको दिखा रही हूँ, एक बहुत ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।